हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 11th ऑफ मई 2019। तो 11 मई 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिरे परड्यू। व्हाट इज सिरे परड्यू? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अगर पढ़ सको तो बूस्टोफेडॉन पढ़ लेना। व्हाट इज बूस्टोफेडॉन एंड वॉट इज सिरे परड्यू? ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टर्म्स हैं रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन इज हु बिल्ट नालंदा। नालंदा की जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने कराई थी? तो हिंट के लिए बता देता हूँ कि गुप्ता एम्पायर में एक राजा था जिसने कि ये कराई थी। तो आपको बताना है कि नालंदा किसने बनवाया था। थर्ड क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा 10 मिनट का क्वेश्चन है। यू हैव टू नेम ऑल द फॉरेन ट्रेवलर्स क्रोनोलॉजी वाइज, मतलब आपको क्रोनोलॉजी से अरेंज करके बताना है। जैसे मान लो आइत सिंह था, ह्यूतसांग था या फाहीन था, किस ऑर्डर में ये लोग आए थे, इब्न बतूता था, जितने भी आप जानते हैं अब्दुल रजाक, इन सब को अरेंज करना। निकोलो डी कॉन्टी तक आना, मतलब विजयनगर एम्पायर तक पूरा आपको आना है। ओके तो पूरा विजयनगर तक आना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि क्रोनोलॉजी पूछता है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आप दे रहा हूँ इस समय उसका सिर्फ बेसिस बेसिक मेरा जो एम है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कंप्लीट कर लें। तो फॉरेन ट्रेवलर्स जो हैं, आपको लूसेंट की बुक में तो एक पूरा पैराग्राफ ही है जिसमें सारे अरेंज ही अपने आप अरेंज फॉर्म में, तो आप लूसेंट उठा के भी पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए लूसेंट इज़ अ वेरी गुड बुक है ना। तो आप इसमें एक बार देख लीजिएगा कि फॉरेन ट्रेवलर्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो लोग आए थे। जैसे कुछ किताबें भी बीच में रिहाला लिखी गई थी, किताब थी है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें ऐसे पढ़ते रहना है ना। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। नाउ इन द कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन यू कैन फाइंड द लिंक टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। एक नया टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया यूपीएससी डिस्कशन के नाम से, तो उस पर अपन करेंगे है ना। आप उसको ज्वाइन कर लो, उसमें डूज डोन सब कुछ लिखा हुआ है। वंस यू जॉइन द ग्रुप, जॉइन इट फ्रॉम देयर। एंड दोज यू वॉन्ट टू गेट द PDF दे कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। और दूसरा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, किस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, उसकी लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ, वो जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड बी अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, और किस मेथडोलॉजी को यूज़ करना है अटेम्प्ट करते समय, वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया है। तो यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन, लिंक दिया है नीचे है ना, तो आप देख लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। द फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द अयोध्या मेडिएशन केस। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जो बाबरी मस्जिद के बाद अयोध्या का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए मीडिएशन एक पैनल बनाया था। ओके, मीडिएशन पैनल जो बनाया गया था उसमें कौन कौन था? उसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज FMI कलीफुल्ला थे, ये चेयरमैन थे। एंड दूसरा स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रविशंकर थे। ओके, श्री श्री रविशंकर थे। फिर सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू थे, हु वॉज अ पायनियर इन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो याद रखिएगा, श्री राम पंचू, FMI कलीफुल्ला जो कि चेयरमैन है, और श्री श्री रविशंकर, ये थे उस मीडिएटर पैनल में। तो उस मीडिएटर पैनल में जो मीडिएशन चल रहा है अभी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काफ़ी प्रोग्रेस है, पीस टॉक्स में काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है। एंड ये निगोशिएशन की जो डेट है मीडिएशन की, वो 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तो द डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 15th अगस्त। उसके बीच में बात होती रहेगी और एक निगोशिएटेड सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं बेसिकली। अयोध्या का जो डिस्प्यूट है उसके लिए एक निगोशिएटेड जो उसका निगोशिएशन हो रहा है, मीडिएशन हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन समझ में आएगा कि क्या होता है। 15 अगस्त तक होगा ये, है ना, तो ये याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नाउ कर्नाटका लॉ ऑन SC ST प्रमोशन कोटा अपहेल्ड। तो कर्नाटका ने बेसिकली लॉ बनाया था, द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड दैट लॉ। कर्नाटका ने क्या कहा था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी। मतलब एक तो रिजर्वेशन प्रमोशन में रहेगा और दूसरा कि कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी, इन दोनों को अपहेल्ड किया गया है। ओके, इन दोनों को अपहेल्ड किया गया है, ये याद रखेगा। और कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी को इंडियन लॉ जो है, उनका जो लॉ है इंडिया का, वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम April 24, 1978 से कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी को प्रमोट किया जाता है। मतलब उसको अपहेल्ड किया गया है इंडिया में, है ना, बाय लॉ। अब आपके दिमाग में एक डाउट ये आ रहा होगा कि व्हाट इज कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी, क्या है कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी? तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, एक एग्जांपल है। लेट अस अज्यूम ए इज बिलोंगिंग टू अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। ए जो है वो जनरल कैटेगरी का है एंड लेवल 1 में है, गवर्नमेंट की किसी पोस्ट के लेवल 1 पे है। नाउ बी इज ऑल्सो, बी इज फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कोटा एंड ही इज जूनियर टू ए इन लेवल 1 ओनली। ओके, अब मैं जैसे इसको करके बता देता हूँ, आपको लिख के बता देता हूँ। ए है एक बंदा,
ए लेवल वन पे है, लेवल L1 पे है, ओके वो 3 साल सीनियर है, 3 ईयर सीनियर है किसका, बी से। ए जनरल कैटेगरी का है, GEN जनरल, एंड अपना जो बी है वो SC कैटेगरी का है सपोज, है ना। अब ए 3 साल सीनियर है, बी SC कैटेगरी का है और लेवल वन पे ही है, लेवल वन पे ही है सपोज 5 साल बाद। अब अगर 5 साल बाद हम बात करें तो ए का जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल का रहेगा, 3 + 5 = 8, एंड बी का एक्सपीरियंस जो रहेगा वो 5 साल का रहेगा। सपोज आफ्टर 5 ईयर्स प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन में बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन, मतलब बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन बी गेट्स प्रमोटेड, बी को प्रमोशन मिल जाता है 5 साल में। ए का नौकरी टाइम पीरियड कितना है, 8 साल का है, बी का कितना है, 5 साल का है। अब बी होगा लेवल टू पे, बी विल बी एट लेवल टू, ए विल बी एट लेवल वन ओनली, ए लेवल वन पे ही रहेगा। नाउ सपोज 1 साल बाद हो, 1 साल बाद अब ए का भी प्रमोशन हो जाता है, ओके तो ए विल बी एट लेवल टू, बी विल बी एट लेवल टू, ए की जो नौकरी है वो 9 साल की हो जाएगी, ए सर्विस पीरियड विल बी ऑफ 9 ईयर्स, बी सर्विस पीरियड विल बी ऑफ 6 ईयर्स, 5 + 1 = 6। अब कौन सीनियर है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हु इज द सीनियर नाउ, द सीनियर विल बी बी इन दिस केस, ओके यही है कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी। मतलब वंस यू बिकम सीनियर बिकॉज ऑफ एनी कंसिक्वेंस यू रिटेन देयर दैट सीनियोरिटी। अब मैटर नहीं करता कि सर्विस पीरियड बी का ए का ज्यादा है, ए अब देखो 9 साल सर्विस कर चुका है, बी केवल 6 साल सर्विस कर चुका है, लेवल दोनों का सेम है, सिंस बी का प्रमोशन पहले हुआ था देयर फोर बी विल बी द सीनियर नाउ, एंड दिस इज वॉट कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी मीन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा सुन लेना आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लिया है तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या न्यूज़ आइटम्स आए हैं इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू दैट, दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कुछ बोल रही थी। यहाँ पे नाम है दीपोर बिल का, दीपोर बिल बर्ड सेंचुरी जो है ये गुवाहाटी में है, याद रखेगा दीपोर बिल जो है वो गुवाहाटी में है, और दीपोर बिल जो है एक रामसर साइट भी है, तो ये भी याद रखेगा कि रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन आप सबको पता होगा कि रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड्स के ऊपर था, और वेटलैंड से ही रिलेटेड एक टर्म और बताता हूँ, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। आप प्लीज़ इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज़ मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड ऑफ रामसर साइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इंडिया की कौन सी साइट्स हैं, इंडिया की पहले 3 साइट्स थी, अब केवल 2 साइट्स बची हैं। सो दिस इज द थिंग फॉर यू कि आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी साइट्स मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर है। दीपोर भी याद रखिएगा कि आपका असम में है, ओके एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिएगा, है ना। फानीज फ्यूरी क्रिएट्स 4 न्यू माउथ्स इन उड़ीसाज चिल्का लेक, तो फानी जो साइक्लोन आया था रिसेंटली उसने 4 नए माउथ मतलब बना दिए हैं, फोर क्रिएटेड 4 न्यू माउथ्स इन उड़ीसाज चिल्का लेक। पहले जो थे केवल 2 थे, द अर्लियर चिल्का लगून हैड ओनली 2 एक्टिव माउथ्स, पहले केवल 2 थे, ओके एंड एक्टिव माउथ का मतलब द पॉइंट वेयर इट मीट द सी, ओके सी में कहाँ से मिलती है वही होता है एक्टिव माउथ। तो अब इसके पास 4 नए माउथ बना दिए हैं चिलिका लेक में, एंड चिलिका लेक इज द एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, याद रखिएगा चिलिका लेक इज द एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, एंड इट कनेक्ट्स टू द वेस्ट बे ऑफ बंगाल, ओके। और दूसरी चीज़ जो हुई है बिकॉज ऑफ साइक्लोन फानी वो ये है कि चिलिका लेक से सैलिनिटी हैड गॉन अप, तो चिलिका लेक की जो सैलिनिटी है वो भी बढ़ गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा साइक्लोन फानी के आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। नाउ चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं, चंद्रयान 2 विल कैरी 14 पेलोड्स फ्रॉम इंडिया, 14 पेलोड्स इंडिया से कैरी करेगा जो आपका चंद्रयान 2 है। चंद्रयान 2 के कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ, इट्स अ 3800 किलोग्राम स्पेस क्राफ्ट, 3800 किलोग्राम का स्पेस क्राफ्ट है। इसमें एक ऑर्बिटर है विच विल सर्कल द मून एट 100 किलोमीटर, ओके देन एक 5-legged lander है जिसका नाम है विक्रम, अ 5-legged lander जिसका नाम क्या है विक्रम, एंड विल डिसेंड ऑन मून इन एन अराउंड September 6। एंड तीसरा है रोबोटिक रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान, ये याद रखिएगा कि लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है, ओके ये याद रखिएगा। एंड रोवर क्या करेगा, इट विल प्रूव द लूनार टेरेन अराउंड इट, प्रूव क्या करेगा लूनार टेरेन को, तो वहाँ पे लैंड करके लूनार प्रूव को, रोबोटिक रोवर है, प्रज्ञान नाम है, लैंडर है जिसका नाम विक्रम है,
ओके ये याद रखेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है फिर से ये चीज़ कि चंद्रयान टू फुल्ली इंडिजिनस मिशन है, ये याद रखेगा। अगर यूपीएससी में अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलता है कि चंद्रयान टू इज़ अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, तो इस तरह से कुछ भी अगर लिखा आता तो बिल्कुल नहीं है, गलत है, इट्स अ फुल्ली इंडिजिनस मिशन। दूसरा चीज़ के तीन मॉड्यूल हैं, एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर रहेगा, लैंडर रहेगा जिसका नाम विक्रम है, रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है। 14 पेलोड्स हैं जिसमें 8 ऑर्बिटर पे हैं, 4 लैंडर पे हैं और 2 रोवर पे रहेंगे। ये लॉन्च किससे होगा? जीएसएलवी मार्क 3 से लॉन्च होगा। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में एक डिफरेंस ये था कि चंद्रयान 1 जो गया था वो पीएसएलवी से गया था, चंद्रयान 2 जो है वो जीएसएलवी मार्क 3 से जाएगा। ओके, टारगेट लॉन्च इसका जुलाई 2019 है एंड प्रज्ञान रोवर विल बी यूज्ड मोस्टली फॉर इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स। याद रखेगा मिशन जो चंद्रयान 2 है That would orbit around the moon to collect scientific information on lunar topography, mineralogy, elemental abundance, lunar exosphere, signatures of hydroxyl and water ice. आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जैसे कि जूनो मिशन का पूछा था उन्होंने, ओके जूनो मिशन का पूछा था, तो इस तरह से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि चंद्रयान टू के क्या क्या मतलब पढ़ने का या क्या पता करने का चाहते हैं इंडियन साइंटिस्ट एंड ऑल, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पेप्सिको ने जो केस किया था फार्मर्स के अगेंस्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिको ने बोला था कि जो उनकी लेस के लिए लेस बनाने के लिए जो पोटैटो यूज़ करते हैं, लेस चिप्स बनाने के लिए एफ सी फाइव कैटेगरी का पोटैटो यूज़ करते हैं, तो उसको उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, ओके वो प्रोप्राइटरी सीड है, ओके तो पेप्सिको ने उसको रजिस्टर किया है अपने नाम पे। अब जब कोई सीड उनके लिए रजिस्टर्ड है तो उनका यूज़ वही कर सकते हैं या उनसे रिलेटेड जो फार्मर्स है केवल वही कर सकते हैं, बट ये 4 फार्मर्स थे जिन्होंने उसको ग्रो किया था, उस पोटैटो को यूज़ किया था, एफ सी फाइव कैटेगरी के पोटैटो को, तो इसके खिलाफ पेप्सिको ने एक सूट किया था 1.05 करोड़ का, ओके लेकिन अब पेप्सिको हैज़ विड्रॉन ऑल द केसेज अगेंस्ट द फार्मर्स, ओके जो केसेस थे उनको विड्रॉ कर लिया है। एडिटोरियल पे आते हैं, रिजॉल्विंग इंडियाज बैंकिंग क्राइसिस, ये सी रंगराजन ने लिखा है तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑल्सो। नाउ दिस आर्टिकल वॉज ऑन द नीड टू रिजॉल्व द बैंकिंग क्राइसिस। अब ऑथर के अकॉर्डिंग जो बिगेस्ट क्राइसिस है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, द बिगेस्ट क्राइसिस द बैंकिंग सेक्टर इज फेसिंग राइट नाउ इज ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है बेसिकली वो लगभग 10.3 trillion rupees यानी कि और 11.2% ऑफ एडवांसेस हो चुका है इन मार्च 2018, ओके जिसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक 86% ऑफ द टोटल एनपीएस लेके बैठा हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक में इस प्रॉब्लम और ज्यादा है ना। द रेशियो ऑफ ग्रॉस एनपीए टू एडवांसेस इन पीएसबीज वाज 14.6%। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इससे हमको कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड करना है, बट आपको दिखा रहा है कि कितनी डिग्री में देखो एनपीएस बन रहे हैं। नाउ हाउ दिस प्रॉब्लम बिगैन, किस तरीके से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो ओरिजिन जो अगर देखा जाए तो 4, 5 से 8, 9 के बीच में जब इंडिया की इकोनॉमी बूम पे थी, इंडियाज इकोनॉमी वॉज एट बूम बिटवीन दिस 2004-5 to 2008-9, उस समय इंडियन कंपनीज बोरोड फ्यूरियसली इन ऑर्डर टू अवेल द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे सॉ कमिंग। तो इंडियन जो कंपनीज थी बहुत ज़्यादा उन्होंने बोरो किया बैंक्स के थ्रू, उनको लगा कि भाई ये बूम पीरियड चलेगा, यहाँ पे हमको बहुत फ़ायदा उठाना है, ग्रो करना है, ये करना है, वो करना है। इस चक्कर में हुआ क्या कि जब ग्रोथ रुकी तो उन्होंने लोन बहुत ज़्यादा ले लिया था, तब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिया गया था, और उसके बिहाफ में उसके एवज में जो उनका होना चाहिए था रिस्पॉन्स, उसका जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, ओके इस कारण से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आगे देखते हैं अपन कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई, 8-9 के टाइम पे ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट रोज, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ गई। अगली चीज़ की बहुत सारा उन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, कभी लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों में जो दिक्कतें हुई इस कारण से बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए, तो प्रोजेक्ट्स गॉट स्टॉल्ड एंड इस कारण से जो उनका लोन था वो सक्सेसफुल। भाई देखो, आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट की है तो आपको फ़ायदा तब मिलेगा ना जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जब वहाँ पे आपका वो प्रोजेक्ट पेपर से हट के आगे बढ़ेगा, तो जब तक वो क्लियरेंस नहीं था तभी आपने लोन ले लिया। अब लोन तो आपने ले लिया लेकिन आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। अब आपके पास नहीं, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई कोई सपोज बुक खरीदने के लिए 100 रुपये अपने घर से मांगते हो,
अब अगर आपने उस दिन किताब नहीं खरीदी तो आप व्हाट हैपेंस इज दैट कि 3-4 दिनों के अंदर आप वो 100 रुपये भी खर्च कर देते हो और आप बुक भी नहीं लेते हो। ऐसा होता है ना, आप सबके साथ हुआ, बचपन में मेरे साथ भी हुआ था कि मैं कोई चीज़ लेने जाता था और वो चीज़ छोड़ के बाकी अगर मैंने कहीं और 1-2 दिन का डिले कर दिया तो मैं वो पैसा भी खर्च कर देता था और वो सामान भी नहीं ला पाता था। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आप वो चीज़ फिर छोड़ देते हो क्योंकि आप दोबारा उस चीज़ के लिए पैसे नहीं मांगते हो, है ना। तो सेम चीज़ बैंक्स के वे कंपनीज़ के साथ हुई, उन्होंने क्या किया, लोन तो ले लिया, बहुत सारा लोन ले लिया, लेकिन उस हिसाब से उनका प्रोजेक्ट चला नहीं। जब प्रोजेक्ट नहीं चला तो क्या हुआ, उनको कोई बेनिफिट मिला नहीं। अब बेनिफिट नहीं मिला तो वो डेट में भी आ गए और उसका कोई मतलब भी नहीं निकला उस पैसे का, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली हुई। आगे हम बात कर लेते हैं, 2014 में RBI ने कहा बैंक्स को कि आप अपना NPA रिकॉग्नाइज करो, यू शुड रिकॉग्नाइज योर NPA, ओके। तो दिस इज व्हाट RBI सेड इन 2014। ये भी एक रीजन है कि NPA क्यों दिखने लगा। पहले क्या था, हर समय क्या करते थे बैंक्स, राइट ऑफ कर रहे हैं, हर समय बैंक्स क्या करते थे अपने लोन को राइट ऑफ कर देते थे। अब राइट ऑफ कर देते थे तो वो उनकी बैलेंस बुक से तो हट जाता था, बैलेंस शीट से हट जाता था, लेकिन एक्चुअली में वो चीज़ थी। तो 2014 में RBI ने फोर्स किया कि आप इसको दोबारा से देखो और रिकॉग्नाइज करो। जब रिकॉग्नाइज हुआ तो और भी समझ में आया कि कितना कैपिटल है, कितना एग्जैक्टली है, तो वो और ज़्यादा फिगर दिखने लगा। ऑथर डज नॉट एग्रीज विद द व्यू दैट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी मस्ट प्राइवेटाइज द बैंक। अब ऑथर ये कह रहा है कि कुछ लोग इसका सोल्यूशन ये बोलते हैं कि प्राइवेटाइज कर दो बैंक्स को, जब पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 86% का NPA है। और तो दूसरे लोग सजेशन ये देते हैं कि अच्छा एक काम करो, आप बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दो क्योंकि प्राइवेट में कम है तो उनको प्राइवेटाइज कर दो। बट ऑथर का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको प्राइवेटाइज नहीं करना है, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। Author says that public sector banks have higher NPAs because they have exposure to the 5 most affected sectors: mining, iron, steel, textile, infrastructure and aviation. ये जो sectors हैं ये most बहुत ज़्यादा इनमें भी NPA भी बहुत ज़्यादा है, mining, iron, steel, textile, infrastructure and aviation, ये reason ज़्यादा है उसके आपके NPAs का, okay? Mining, iron, steel, textile, infrastructure and aviation. ओके तो ये याद रखना कि इनको क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें भी हैं, इस कारण से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बहुत ज़्यादा देना पड़ता है लोन, है ना। नो व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफर्ड बाय द ऑथर, सॉल्यूशंस क्या हैं। पहला, बैंक्स शुड एक्सेप्ट लॉसेज ऑन लोन्स, ओके। बैंक्स शुड एक्सेप्ट द लॉसेज ऑन लोन्स, ओके। दे शुड बी एबल टू डू सो विदाउट एनी फियर ऑफ हरासमेंट बाय द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। तो बैंक्स को क्या करना चाहिए कि अब भले उनको थोड़ा लॉस भी हो रहा है लेकिन अगर कुछ पैसा वापस मिल रहा है तो उनको लेना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी चीज, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंड अगर सपोज मान लो किसी ने 5,000 करोड़ का लोन लिया था बट वो बोल रहा है कि मैं अभी 3,500 करोड़ ही चुका पाऊंगा, तो यार आप ले लो ना, आपको कुछ नहीं मिलने से अच्छा अभी आप 3,500 करोड़ ही ले लो, कुछ तो पैसा वापस आएगा, है ना, तो वो अमाउंट घटेगा। तो आपको बिना हैरेसमेंट के डर से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लॉसेस को ले लेना चाहिए, भले लॉस हो रहा हो लेकिन थोड़ा ले लो, वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए, लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं बट लॉस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट मस्ट इन्फ्यूज एट वन गो वॉट एवर एडिशनल कैपिटल इज नीडेड टू रिकैपिटलाइज द बैंक्स। जितना भी रिकैपिटलाइज करने की जरूरत है बैंक्स को उतना एक बार में या तो गवर्नमेंट दे दे, ये भी कर सकते, गवर्नमेंट एक बार में इन्फ्यूज कर दे उतनी कैपिटल, ओके, तो ये बैंक्स को हेल्प करेगा। द RBI नीड्स टू डेवलप बेटर मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग मैक्रो प्रूडेंशियल इंडिकेटर्स, इट स्पेशली नीड्स टू लुक आउट फॉर द क्रेडिट बबल्स। जो क्रेडिट बबल्स उनको देखो कि कहाँ किस सेक्टर में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किस सेक्टर में हमको कम करना चाहिए, किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ये सारी चीज़ें RBI को एनालाइज करनी चाहिए और उन इंडिकेटर्स के थ्रू ही आगे पॉलिसीज का निर्वहन करना चाहिए। Actions need to be taken to strengthen the functioning of banks in general and more particularly PSB's governance. Okay, तो बहुत सारे actions लेने की जरूरत है, strengthen करने की जरूरत है functioning को, पूरे governance को, functioning को, administration को, जो public sector banks का हो रहा है तो उन सब को monitor करने की जरूरत है। Then succession planning at PSBs also need to improve. मतलब किस तरीके से प्लानिंग करनी है, उसको इम्प्रूव करनी है, टॉप मैनेजमेंट का सिलेक्शन किस तरीके से करना है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को किस तरीके से अपॉइंट करना है और जो डिलेज है उनको ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्यूशंस हो सकती हैं टू रिजॉल्व द बैंकिंग क्राइसिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। फॉर अ फुल बेंच, नाउ दिस आर्टिकल इज ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अब बैकग्राउंड क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी कोलिजियम से बोला था, देखो कल न्यूज़ में आया था
कि सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल जो स्ट्रेंथ है 31 की वो पूरा करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्ट्रेंथ को पूरा करना चाहता है 31 जजेस की। नाम सजेस्ट भी किए जा रहे थे। अब उन्होंने पहले कोलिजियम के थ्रू सजेस्ट किया था, जो गुवाहाटी एंड झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनके नाम सजेस्ट किए थे। गवर्नमेंट ने बोला कि आप रीथिंक करो, लेकिन जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वही सेम नाम भेज दिए हैं। नाउ वंस सुप्रीम कोर्ट डज दिस, सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा नाम भेज दिए, तो नाउ दिस गवर्नमेंट मस्ट एक्सेप्ट दीज नेम नाउ। ओके, सेम जजेस के नाम भेज, तो गवर्नमेंट इज नाउ बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर है कि एक सिस्टमैटिक चेंज होना चाहिए। देर इज अ नीड ऑफ सिस्टमिक चेंज इन द मैनर इन विच द जजेस आर अपॉइंटेड। एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या है ये जजेस के अपॉइंट की। देखो, दो प्रॉब्लम्स ऑथर ने हाईलाइट किए। पहली, कोलिजियम सिस्टम जो अपॉइंटमेंट का है वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भले आप चलो 31 जजों की जो वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट में आप पूरी तो कर रहे हो, लेकिन हाई कोर्ट में जो वैकेंसी है उसको क्या, 24 हाई कोर्ट्स को अगर देखा जाए, 25 हाई कोर्ट्स को, एक नया हाई कोर्ट बनने वाला है, तो अगर उनको देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, है ना। तो वो कहां से रिजॉल्व आप करोगे? वो रिजॉल्व नहीं करोगे तो कैसे आप जस्टिस दिला पाओगे? न्यू क्लाउड्स ओवर पर्शियन गल्फ। तो ये पर्शियन गल्फ में जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईरान बोल रहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर डील, जिसको बोलते हैं JCPOA, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कहीं पे भी अगर आपको ये नाम लिखा दिख जाए, जैसे UPSC पूछ सकता है कि रिसेंटली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वॉज इन न्यूज, फ्रॉम विच थिंग इट इज रिलेटेड, या फिर वो सीधे बोल सकते हैं कि JCPOA वॉज इन न्यूज रिसेंटली, वॉट इज इट, कोई ये फाइटर है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक न्यूक्लियर डील है जो कि ईरान के साथ हुई है, ईरान एंड P5+1। अब P5 कौन है? USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। वन कौन है? जर्मनी। ओके, और ये कब हुई थी? 2015 में हुई थी न्यूक्लियर डील, JCPOA। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। अबाउट पर्शियन गल्फ के बारे में बता देता हूँ। पर्शियन गल्फ लाइज बिटवीन ईरान इन द नॉर्थ ईस्ट एंड अरेबियन पेनिनसुला इन द साउथ वेस्ट। कंट्रीज कौन कौन से सराउंड करते हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरेन, UAE एंड ओमान। याद रखिएगा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरेन, कतर, UAE एंड ओमान, ये कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं। अब ईरान ने बोला कि हम पार्शल विड्रॉल कर लेंगे। रशिया और चाइना ने ईरान का सपोर्ट भी किया है, और यही सारी चीज़ें जो चल रही हैं, है ना। अ फ्रॉट मूवमेंट, बेसिकली ये है, अभी रिसेंटली ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने फिर से टैरिफ्स को बढ़ा दिया है। पहले 10% का जो टैरिफ था उसको बढ़ा करके 25% कर दिया। सो दे हैव इंक्रीज द टैरिफ फ्रॉम 10% टू 25%। ओके, ट्रंप गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। अब भाई देखो, अभी ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रहा था, अब वो ट्रेड वॉर का रिवाइवल है। बीच में एक पीरियड ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि अब ये ट्रेड वॉर खत्म हो जाएगा, बट नाउ दिस इज द रिवाइवल ऑफ द ट्रेड वॉर, क्योंकि जो 10% का टैरिफ था पहले का, अब वो 25% का बढ़ा के कर दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमको ये देखनी है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। नाउ हमने कई बार पढ़ा है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ US चाइना ट्रेड वॉर, एंड वन ऑफ द इम्पैक्ट इज दैट ग्लोबल स्लोडाउन। ग्लोबल स्लोडाउन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। रिसेंटली IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी यही कहा था कि अगर USA और चाइना का ट्रेड वॉर खत्म नहीं होता है, तो दैट विल हैव ग्रेट रिपरकशंस ऑन डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में इसके असर देखने को मिलेंगे, और इसीलिए इंडिया का रिलेशन भी इस चीज़ से हो जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी ग्लोबल इकोनॉमी से अलग तो है नहीं। अगर ग्लोबल स्लोडाउन होगा तो इंडियन इकोनॉमी में भी तो स्लोडाउन आएगा ना, तो वही वाली चीज़ है कि हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट होगा। देयरफॉर व्हाट वी मस्ट डू, हमको क्या करने की ज़रूरत है, हमको ये सारी चीज़ों पर नज़र बना के रखनी चाहिए। हमको दूसरी चीज़ की USA खुद हमसे भी लड़ रहा है। आप सबको पता है कि USA और हमारा भी अभी ट्रेड वॉर एक तरह से चलने ही वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने GSP से हमको रिमूव कर दिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस रिमूव करने की बात कर दी। दूसरी चीज़, वो खुद बोलते हैं कि इंडिया और USA के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, और इंडिया वाले कुछ नहीं खरीदते हमारे यहाँ का, क्योंकि हम तो पूरा चाइना से खरीद लेते हैं, तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो वही वाली बात चल रही है। तो देखो, हम खुद अच्छी कंडीशन में नहीं है, और हमको इसके ऊपर नज़र बना के रखनी है, और नज़र बना के रखते हैं हम लोग हर चीज़ पर, तो नज़र बना के रखनी है, और वही है, देखो क्या होता है। अगला आते हैं हम कवर स्टोरी पे, तो ये वही है, पिकिंग अप पीसेज आफ्टर द साइक्लोन फानी। तो साइक्लोन फानी के बाद क्या करने की जरूरत है? देखो, वैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, क्योंकि पिछली बार अगर हम लास्ट टाइम इवेंट देखें साइक्लोन का, तो जो सुपर साइक्लोन आया था उसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। इस साल अगर आंकड़ा देखें तो 50 लोगों का। देखो, हर एक जान कीमती होती है, हम सबको पता है, लेकिन एक अगर रिलेटिव पॉइंट से बात की जाए, तो 10,000:50 इज समथिंग ट्रमेंडस एफर्ट डन बाय द गवर्नमेंट। NDRF इन सब ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया उसमें। ओके, एंड दूसरी चीज़ की
कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो नेटवर्क लाइंस है, कनेक्शन लाइंस है, इन सारी चीज़ों को बनाने के दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की एक समस्या रहेगी, काफ़ी पैसा उसमें लगेगा, वो करने की ज़रूरत है ना। ये सारी चीज़ें हैं। देखो दो ज्योग्राफिकल इवेंट इसमें हैं जो कि ऑथर ने उठाए हैं। पहला है साइक्लोन रिकर्विंग। साइक्लोन रिकर्विंग मतलब कि जो साइक्लोन्स अचानक शार्पली ईस्ट की तरफ टर्न हो जाते हैं उसको साइक्लोन रिकर्विंग कहते हैं। शार्पली टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट अराउंड द इंडियन ओशन। पहले इतना फ्रीक्वेंट नहीं था ये इंडियन ओशन में साइक्लोन रिकर्विंग का फिनोमिना, बट नाउ इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट। दूसरा अप्रैल में साइक्लोन, अप्रैल साइक्लोन इज अनदर इशू दैट वॉज हाईलाइटेड। मतलब कि अगर हम देखें तो अप्रैल में इतने सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते नहीं हैं, ओके, बट नाउ अप्रैल मई के आसपास ये सीवियर साइक्लोन्स आ रहे हैं। सो दैट इज अनदर इशू जो कि अभी शुरू हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा कि ये दो इशूज़ उठाए हैं। अगर आपको ज्योग्राफी से रिलेट करना है तो ये दो इशूज़ आप ज्योग्राफी के लिख सकते हैं उसमें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। ये इलेक्शन वाला पेज है। मधुबनी मैसेज, तो मधुबनी पेंटिंग्स का मैसेज है, वोट करो, है ना, वोटिंग इंडिया, वोट डालो। तो मधुबनी के बारे में बताता हूँ। मधुबनी आर्ट या फिर इसको मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, ये मिथिला रीजन बिहार का था, वहाँ ये प्रैक्टिस किया जाता था। मधुबनी आर्ट या मिथिला पेंटिंग इसको बोलते हैं, दे आर इट वॉज प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार, याद रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग हैज इट्स ओरिजिन इन मैथिली विलेज ऑफ बिहार, मिथिला जिसको बोलते हैं। इन द बिगिनिंग द विमेन ऑफ द विलेज ड्रू दीज पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर ड्वेलिंग्स एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स, होप्स एंड आइडियाज। तो स्टार्टिंग में जो विमेन थी वो अपने घरों में बनाती थी ये वॉल्स में, ड्वेलिंग में, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स, होप्स एंड आइडियाज, है ना। कलर्स जो होते हैं इसमें जो यूज़ होते हैं वो मोस्टली फ्रॉम प्लांट्स और बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज, राइस या चावल का यूज़ करके बना दिया, ये सारी चीज़ याद रखिएगा। नेचुरल कलर्स होते हैं यूज़ पूरे, ये याद रखिएगा। थीम जो बेसिकली है वो चीफली नेचर एंड माइथोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड है। अभी अगर हम देखें मधुबनी पेंटिंग जो थीम है बेसिकली वो नेचर एंड माइथोलॉजिकल इवेंट्स दोनों से रिलेटेड है। तो नेचर सिर्फ माइथोलॉजिकल से नहीं है या सिर्फ नेचर से नहीं है, नेचर प्लस माइथोलॉजी दोनों से रिलेटेड है। इट रिवॉल्व्स अराउंड हिंदू डीटीज लाइक कृष्णा, शिवा, लक्ष्मी, दुर्गा, राम, सरस्वती, इन सब का काफ़ी जिक्र होता है। मधुबनी पेंटिंग्स यूजेस ब्रशेज क्रिएटेड आउट ऑफ कॉटन ड्रेप्ड ओवर अ बैम्बू स्टिक। तो कॉटन ड्रेप्ड ओवर बैम्बू स्टिक, इससे आप ब्रश की तरह यूज करते हैं। देर इज नो शेडिंग इन द एप्लीकेशन ऑफ कलर, देर इज नो शेडिंग इन द एप्लीकेशन ऑफ कलर्स, ये भी याद रखेगा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द मधुबनी पेंटिंग, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ट्रंप रेजेस टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स, तो आपको दिख रहा होगा जब मैंने अभी ट्रेड वॉर की बात की तो ट्रेड वॉर एस्केलेट्स, ये देखो लिखा हुआ है, एंड 10% से हाइक बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। एंड द लेटेस्ट इंक्रीज एक्सटेंड्स 25% ड्यूटीज ऑन अ टोटल ऑफ 250 बिलियन ऑफ चाइनीज इम्पोर्ट्स, ओके, 250 बिलियन ऑफ चाइनीज इम्पोर्ट्स। तो काफ़ी ज़्यादा इसका देखने को मिलेगा, आप क्या करते हैं चीज़ जिनपिंग क्या करते हैं। एंड चाइना हैज़ इम्पोज टैरिफ्स ऑन 91% ऑफ US इम्पोर्ट्स, ओके, तो याद रखेगा। तो इस तरीके से ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसका क्या रिपरकशन होगा ये देखने वाली बात रहेगी। CCI का नाम आया, CCI प्रोब्स गूगल फॉर अनफेयर प्रैक्टिस। तो CCI ने कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने अभी गूगल में प्रोब किया फॉर एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस। CCI की हम बात करें तो ये रिप्लेस किया था इसने मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन को। देयर वॉज अर्लियर MRTPC, यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन थी पहले, उसको रिमूव किया था, रिप्लेस किया था CCI ने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्यों बेसिकली आई है ये बॉडी? टू एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस एंड जो कि एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं कंपटीशन को। ऐसी अगर कोई कंपनी, देखो कोई अगर कंपनी अनफेयर प्रैक्टिस का यूज़ कर रही है जिसके कारण कि कंपटीशन, मतलब कि वो अपने राइवल्स को, कंपटीशंस को ख़त्म करती जा रही है, मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रही है, तो उससे लड़ने के लिए बेसिकली ये बॉडी CCI बनाई गई थी। CCI बनी एक्ट के थ्रू है जो कि आया था कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 का कॉम्पिटिशन एक्ट था, उसके थ्रू बनी थी। लेकिन CCI का जो एक्चुअल क्रिएशन था, इस्टेब्लिश हुई थी, वो 2003 से हुई थी और फुल्ली फंक्शनल 2009 से हुई है। तो 2002 का एक्ट है कंपटीशन एक्ट, 2003 में CCI बना था और 2009 से फुल्ली फंक्शनल है, ये याद रखिएगा। इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है विच गिव्स ओपिनियंस टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड ऑल्सो डील्स विद अदर केसेज। इट हैज़ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। इट इज़ द यंगेस्ट एंड द ओनली क्रॉस सेक्टर रेगुलेटर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, यंगेस्ट एंड ओनली क्रॉस सेक्टर रेगुलेटर ऑफ इंडिया। इट हैज़ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, ओके। CCI की हमने बात कर ली। आगे कोई और न्यूज़ है, IIP
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब आपको पता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालता कौन है, सिंपल सी बात एक याद रखना है आपको कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालता कौन है इंडिया में, CSO, ओके CSO निकालता है। दूसरी चीज ये पूछ सकता है कि ये कब निकालता है, तो ये याद रखें कि ये मंथली निकाला जाता है। अभी उसमें बेसिकली आया ये है कि IIP जो है उसमें स्लो डाउन हुआ है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ IIP से रिलेटेड, इसका बेस ईयर क्या है, बेस ईयर क्या लिया गया है IIP में, ओके तो दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। एंड मैन्युफैक्चरिंग जो अभी है वो थोड़ा स्लो हुई है बेसिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और एक और क्वेश्चन इसमें आप बताइएगा कि कोर सेक्टर का कितना वेटेज है और कोर सेक्टर्स हैं कौन कौन से, तो दीज आर द क्वेश्चन फॉर यू, इनके आंसर आप करेंगे, ओके सो यहाँ पे तो हो गया। प्रीमियर लीग इस बार तगड़ा होने वाला है। अमेजॉन अनवील्स स्पेस विजन मून लैंडर, तो अमेजॉन ने एक अपना स्पेस विजन मून लैंडर अनवील किया है बेसिकली, जिसका यूज़ किया जाएगा फॉर टेकिंग इक्विपमेंट्स और टू टेक ह्यूमन बींग्स टू द साउथ पोल ऑफ द मून बाय 2024। तो जेफ बेजोस हु इज़ द हेड ऑफ अमेजॉन याद रखिएगा, एंड उसकी जो कंपनी है उनकी स्पेस कंपनी अमेजॉन की ब्लू ओरिजिन, तो जेफ बेजोस दो चीज़ों के ओनर हैं, एक तो अमेजॉन के, दूसरा स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के, ब्लू ओरिजिन के भी हैं, ओके तो याद रखिएगा ये दो फैक्ट्स याद रखिएगा। दूसरी चीज़ जो अभी नाम ये जो उन्होंने लैंडर बनाया है मून के लिए उसका नाम है ब्लू मून, ओके सो दे हैव नेम्ड दिस एज ब्लू मून। तो अगर आपसे कोई पूछे ब्लू मून क्या है, तो अमेजॉन का ये स्पेस लैंडर है, मतलब जो मून लैंडर है वो है। दूसरा अमेजॉन के साथ साथ कौन सी कंपनी जेफ बेजोस हेड करता है, स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।